हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोग्राफीज केव। दुबई पूरी दुनिया में अपने सख्त रूल्स और अमीरी की वजह से मशहूर है। वैसे भी दुबई में शहजादी और शहजादियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हम जिस शहजादी की बात करेंगे उनके चर्चे सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। इनका नाम शेखा मायरा है। दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की बेटी शेखा मायरा आज के दौर की सबसे मशहूर और मारूफ और टॉप लिस्टेड खवातीन में मानी जाती हैं। इनको ज्यादातर लगाव जानवरों से है। इन्हें ज्यादातर नायाब नस्ल के घोड़े और खूबसूरत बिल्लियां पसंद हैं। इनके शौक की बात करें तो इन्हें स्विमिंग और नायाब नस्ल के घोड़ों की सवारी का बहुत ज्यादा शौक है। इनके पास 11 ऐसे घोड़े मौजूद हैं जो दुनिया के नायाब नस्ल के घोड़ों में शुमार होते हैं। जहाँ दुबई में अक्सर शाही खानदान की सब औरतों को हिजाब और पर्दे में देखा जाता है, वहीं शेखा मायरा को हिजाब के बगैर पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में शाही खानदान की इस शहजादी के बारे में, जिसे इतनी ज्यादा आज़ादी मुयसर है और क्यों है। 26 फरवरी 1994 को दुबई में पैदा होने वाली ये शहजादी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। शेखा मायरा का शुमार अरब की सबसे ज्यादा खूबसूरत और अमीर शहजादियों में होता है, लेकिन इनकी जिंदगी दुबई की दूसरी शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुबई के सख्त रूलर अपनी इस बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने शेखा मायरा को ऐसी आज़ादी दी हुई है जो आज तक किसी और दूसरी शहजादी को नहीं मिली। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 6 शादियां की हैं। इनमें से कुछ बीवियों को तलाक भी दी हुई है, लेकिन इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। शेख मोहम्मद के 30 बच्चे हैं। इनके सारे बच्चे बहुत ही लग्जरी लाइफ बसर कर रहे हैं। शेख मोहम्मद का सबसे पसंदीदा बेटा प्रिंस हमदान है, जो इस वक्त दुबई का क्राउन प्रिंस भी है और आने वाले वक्त में अपने वालिद की कुर्सी यही संभालेंगे। शेख मोहम्मद के सख्त रूल्स इनके बच्चों को मानने पड़ते हैं और इनके बच्चों को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी लाडली बेटी को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी हुई है। शेखा मायरा को ये सख्त रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते। जहाँ दुबई में सारी खवातीन हिजाब करती हैं, वहाँ हमने कभी शेखा मायरा को हिजाब में नहीं देखा। वो हमेशा से ही अपने खूबसूरत और घने बालों के साथ ही नजर आती हैं। इनके बाल भी इनकी तरह ही बहुत खूबसूरत हैं। आपने अक्सर ही शेखा मायरा को पब्लिक इवेंट्स अटेंड करते हुए देखा होगा। शेखा मायरा को लोगों के सामने प्रेजेंट होने का बहुत शौक है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों से बात करती हैं, लेकिन शेख मोहम्मद की बाकी बीवियां और बेटियां ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे में ही रहती हैं और लोगों के सामने नहीं आती, लेकिन शेखा मायरा पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अगर हम शेखा मायरा की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीती हैं। महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, ट्रैवल करना, सोशल इवेंट्स में जाना इनकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का काम है। शेखा मायरा की माँ ग्रीक थी, इसलिए इनको ये आज़ादी मिली है और इनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं है। आज से तकरीबन 30 साल पहले दुबई के रूलर शेख मोहम्मद ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की थी। शादी के बाद बहुत अरसा तक ये दोनों साथ रहे और इनके 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक का नाम शेख अब्दुल्ला और दूसरा शेखा मायरा है। उसके बाद इन दोनों की तलाक हो गई। ये तलाक कब हुई ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन शेखा मायरा आज भी अपनी माँ से मिलती हैं। शेख मोहम्मद ने कभी भी अपनी बेटी को उनकी माँ से मिलने से नहीं रोका। दोनों माँ बेटी के दरमियान बहुत मोहब्बत है और शेखा मायरा की माँ उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। शेखा मायरा ने बिजनेस की अच्छी पढ़ाई की हुई है, इसलिए वो अपने वालिद के साथ बिजनेस को संभालने में उनकी काफ़ी मदद करती हैं। वो अपने वालिद के साथ मिलकर दुबई एडवांसमेंट कर रही हैं, जैसे कि दुबई में डेवलपमेंट कैसे की जाए। जहां शेख मोहम्मद की बाकी बेटियां घर में ही रहती हैं, वहां इनकी ये बेटी इनके बिजनेस में इनकी काफ़ी मदद करती हैं। लेकिन अपने वालिद की तरफ से दी गई इस आज़ादी का शेखा मायरा ने कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। मायरा को हाउस राइडिंग और स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। इनके पास दुनिया के सबसे कीमती घोड़े भी मौजूद हैं। ये घोड़ों की देखभाल पर सालाना $40 मिलियन का खर्चा करती हैं। शेखा मायरा दुबई में होने वाले हाउस राइडिंग में हिस्सा लेती हैं। शेखा मायरा के वालिद का अपना प्राइवेट जू भी है, जहाँ बहुत सारे शेर के साथ साथ खतरनाक जानवर भी मौजूद हैं। मायरा अपनी सारी तवज्जो अपने वालिद के साथ मिलकर दुबई डेवलपमेंट में लगा रही हैं। 27 मई साल 2023 में शेखा मायरा शादी के मंदिर में बन चुकी हैं। इनकी शादी दुबई वर्ल्ड सेंटर जिबल हॉल में हुई। मायरा की शादी इनके अपने ही कज़न शेख राणा अल मखदूम से हुई। शादी के तकरीबन 2 महीने के बाद अपनी शादी की पहली वीडियो मायरा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसे उनके चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इनकी शादी की वीडियो को उस वक्त बनाया गया जब हॉल मुकम्मल तौर पर खाली था, यानी कि शादी पर आने वाले मेहमानों से कबल ही वीडियो क्लिप्स तैयार किए गए। शेखा मायरा के साथ ये यंग लेडी जो आप देख रहे हैं, ये इनकी सिस्टर या दोस्त नहीं बल्कि शेखा मायरा की मदर है। याद रहे कि शेखा मायरा की माँ शेख मोहम्मद की 6ठी बीवी थी, लेकिन अब इन दोनों में तलाक हो चुकी है। शेखा मायरा और राणा अल मखदूम के कपल को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जी नाजरीन, ये थी शेखा मायरा के लाइफस्टाइल के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आप शेखा मायरा के फैंस हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। Peace.